आज फोटो शूट कर गया था मैं, काफी सारे फोटोज मैंने क्लिक करे थे और मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और अब मैंने सबको डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे चुल उठ रही है। अब मैं इनको रिकवर करके दिखाऊंगा क्योंकि फोटोज वीडियोस डॉक्यूमेंट किसी भी तरह की फाइल हो आप इजीली रिकवर कर सकते हो, पॉसिबल है। ये सबको पता नहीं होता लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से ऑलरेडी डिलीटेड फोटोज वीडियोस कैसे रिकवर कर सकते हो। तो डेटा रिकवर करने के लिए ना जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करने वाले हैं वो है 4DDIG DIG, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर ट्राई इट फ्री पर क्लिक करना और फ्री में अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड कर लेना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, इसको मैं भी आपको यूज करके दिखाऊंगा। उससे पहले दिखा दूं ये 4GB की मैंने अपने पापा के जमाने की SD कार्ड लगा रखी है, इसमें काफी सारे मेरे फोटोज डले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। ये फोटोज है जो कि DSLR से खींचे हुए हैं और यहाँ पर मैं आपके सामने इन सभी फोटोज को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट दबाया और ये परमानेंटली मैंने अपने फोटोज का पूरा फोल्डर डिलीट कर दिया। अभी आप चेक कर सकते हो मेरा ये माइक्रो SD कार्ड अब खाली हो चुका है। अब मैं आपको ये फोटोज रिकवर करके दिखाता हूँ। देखो ये पहले से लगी हुई थी, पहले स्टोरेज इतनी थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये दोबारा से रीड करेगा, अब दिखा रहा है ये खाली हो चुकी है हमारी SD कार्ड। अब देखो यहाँ पर आपको रिकवर करने के ना काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी लोकल डिस्क है, जो भी आपकी डिस्क के पार्टीशन है वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे, किसी से भी आप रिकवर कर सकते हो। एक्सटर्नल ड्राइव लगा रखी है यहाँ से रिकवर कर सकते हो, जैसे कि हमने अपना माइक्रो SD कार्ड लगा रखा है। बाकी आपको कॉमन लोकेशन मिल जाएगी, जैसे कि डेस्कटॉप से आपका कोई फाइल डिलीट हो गया या फिर आपने रिसाइकल बिन से परमानेंटली डिलीट कर दिया तो यहाँ से रिकवर कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एक्यूरेटली फाइंड फाइल्स मिलता है, यहाँ पर आप एक्यूरेटली फाइल्स को जो है फाइंड कर सकते हो, जो पर्टिकुलर फाइल आप फाइंड करना चाहते हो उसका एक्सटेंशन वगैरह डाल सकते हो, फाइल का नेम या पार्ट डाल सकते हो, साइज डाल सकते हो। तो ये थोड़ा प्रिसाइजली और काफी जल्दी आपको रिकवर करके देगा आपके फाइल्स को। इसके अलावा रिकवर फ्रॉम क्रैश कंप्यूटर भी मिलता है, मतलब अगर आपका कंप्यूटर पूरा क्रैश हो गया है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो भी आप उसमें से अपने डेटा को रिकवर कर पाओगे। इसके अलावा आप अपने फोटोज को रिपेयर भी कर पाओगे, हो सकता है आपका कोई फोटो करप्ट हो गया हो जो कि ओपन नहीं हो रहा हो, तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके। इसके अलावा अपनी वीडियोस को भी रिपेयर कर सकते हो, अगर आपकी कोई वीडियो ऐसी है जो कि प्ले नहीं हो रही, करप्ट हो गई है, हो सकता है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे आपकी बैटरी डाउन हो गई या फिर अचानक से SD कार्ड निकाल लिया या फिर कोई भी रीजन हो आपकी वीडियो जो है वो करप्ट हो चुकी है, वो प्ले नहीं हो रही है, तो भी आप उसको रिपेयर कर सकते हो सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो इस तरह से काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल मैं आपको डेटा रिकवर करके दिखा रहा हूँ, अगर आपकी डिमांड रहती है तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँ जिसमें बाकी फीचर्स यूज करके दिखा दूंगा, जैसे कि वीडियोस और फोटोज को रिपेयर करना हो। तो अभी मैं यहाँ पर अपने माइक्रो SD कार्ड में फाइंड करना चाहता हूँ फाइल्स को। अब देखो आप चाहे तो सारी फाइल्स को रिकवर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं फोटोज को रिकवर करना चाहता हूँ और फोटोज को मैंने सेलेक्ट करा तो ये सिर्फ फोटोज हमारे ढूंढकर दिखाएगा और दिखाएगा कि ये फोटोज हम आपके लिए रिकवर कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस कराएगा कि किस तरह का इंटरफेस है, कहाँ से क्या चीज होती है। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया और इसने फाइल जो है ढूंढनी शुरू कर दी है, तो इसने काफी सारे फोटोज हमारे ढूंढने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर देखो आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, JPEG के फॉर्मेट के फोटोज आपको सारे दिख जाएंगे, जो जो मेरे फोल्डर्स में फोटोज थे ना तो ये सारे मुझे दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कैटेगरी मिल जाती है, जैसे कि टैग्ड करे हुए फोटोज, मतलब फोल्डर वगैरह अगर आपने डिलीट करा था पूरा फोल्डर दिखा देगा, फोल्डर के अंदर कैनन का फोल्डर था और कैनन के फोल्डर के अंदर ये कुछ इस तरह की इमेजेस थी, तो इनका जो है ना साइड में प्रीव्यू भी दिख जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लो रिजोल्यूशन में मैं इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोटो को रिकवर कर लूँ तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके बड़ा प्रीव्यू भी देख सकता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वही फोटो है जो मैं रिकवर करना चाहता था तो रिकवर पर क्लिक करूंगा और लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा जहाँ पर मुझे रिकवर करना है। फिलहाल मैं अपने डेस्कटॉप पर रिकवर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये दिखा रहा है कि रिकवर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं व्यू रिकवर्ड पर जाऊंगा तो मैं अपने फोल्डर पर जाकर देख सकता हूँ कि हमारी फोटो किस तरह से दिख रही है। अब मैंने इसने फोटो को खोल के दिखा दिया, अब देखो यार इसकी क्वालिटी वही है जो ओरिजिनल थी, ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी में रिकवर हुआ है, जो ओरिजिनल फॉर्मेट था ओरिजिनल क्वालिटी थी वही मुझे मिली है, और इसका साइज देखेंगे ना वो भी यहाँ पर 6.41 MB दिखा रहा है जो कि ओरिजिनल साइज था, मतलब बिना डेटा लॉस के बिना क्वालिटी लॉस के आप अपने फोटोज को रिकवर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको एक फोटो रिकवर करके दिखाया था, अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल फोटोज रिकवर करना चाहते हो या फिर मल्टीपल फाइल्स रिकवर करना चाहते हो, वीडियोज या फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट था, यहाँ पर सभी को सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल करके रिकवर कर सकते हो सभी को, या फिर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो प्रीव्यू देख देख कर आपको कौन कौन से रिकवर करने हैं, और जो भी रिकवर करने हैं बाद में रिकवर पर क्लिक करना, लोकेशन सेलेक्ट करके उसको रिकवर कर लेना। देखो इसको आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके जो फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट वीडियोस वगैरह है वो
आपको दिख रही है रिकवरेबल है या फिर नहीं। अगर आपको दिखता है कि हाँ वो रिकवरेबल है और इसने सॉफ्टवेयर ने आपको फाइंड करके दिखा दिया है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हो। इस तरह की और भी काफी सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए फोटोज वीडियो फाइल्स डॉक फोटोज वीडियोज।